चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आज डाइनाइट्रोजन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। डाइनाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट है, आप जानते ही हो, गैसियस फॉर्म में ये मिला था और हमने इसको अमोनिया से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यूरिया से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो आपने डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन कर लिया, बट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी बात करें डाइनाइट्रोजन की, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। और इसकी प्रॉपर्टीज जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसका जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक तो ये टेस्टलेस है, ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, और साथ में कलरलेस भी है, कोई कलर भी नहीं है इस गैस का, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस गैस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका कि जो डाइनाइट्रोजन्स होती हैं वो टेस्टलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और कलरलेस होती हैं। ना तो इनमें कोई स्वाद होता है, ना इनमें कोई टेस्ट होता है, ना इनमें कोई गंध होती है, ना इनका कोई कलर होता है। दूसरा पॉइंट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी का है कि इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल है ये। बट इसका एक और देखिएगा, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी विथ हाई प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है, रैंडमली इंक्रीज कर जाती है इसकी डाइनाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, बट उसके साथ में आपको करना क्या होगा कि प्रेशर इनका इंक्रीज कर देना होगा, प्रेशर इनका इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे हम लोग। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसका जो बीपी है वो 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, इसका जो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट वो 63.5 केल्विन चेक करेंगे हम लोग। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 189, कहीं कहीं किसी बुक में 195 भी दिया हुआ है, 195.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया हुआ है। तो 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 195.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो 63.5 केल्विन में है, ठीक है ना। दूसरा एक अच्छा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट और है इसके, वो ये है, इट हैज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट हैज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है, लो है। और लो होने के पीछे का क्या है, क्योंकि ये स्टेट इसका गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। बट कंडक्टिविटी जो इसके अंदर थर्मल और इलेक्ट्रिकली है वो कम है, और उसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, तो इनके स्ट्रक्चर उतने कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी बहुत ही स्लो पाई जाती है। और अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टी था, देख लीजिएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता दूं कि जो डाइनाइट्रोजन्स होती है उनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है, उनके अंदर किसी तरह का कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, कलरलेस यानी कोई गंध नहीं पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डाइनाइट्रोजन है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या है कि मतलब धीरे धीरे से इनकी सॉल्युबिलिटी उसके अंदर जाती है, एकाएक से नहीं है, उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब धीरे धीरे से उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट हाईली इंक्रीज हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है हाईली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। अगर प्रेशर आपने बढ़ा रखा है तो ये तेजी से भी क्या कर जाएंगे, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे किसी भी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 185.2 195 किसी बुक में भी दिया हुआ, कहीं कहीं 189.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो दोनों को आप दिमाग में रखेंगे। बट मेल्टिंग पॉइंट इज 63.5 केल्विन,
इट हैज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, बहुत ही लो होती है, ठीक है ना। ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इनका देखिएगा, सबसे पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल को हमने देख लिया है, आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला इसका देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखिए पहली चीज तो जान लीजिए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट इतना आसानी से नहीं करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, बट ह्यूमंस बॉडी जितने भी हैं उनको नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की कुछ ना कुछ तो टेंडेंसीज होती है, बट जितने भी एनिमल्स बॉडी हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जब भी नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना हो तो इतना आसानी से नहीं हो पाता है। आप जानते हो ना कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट क्या इनका रिएक्शन नहीं हो पाता है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जो भी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट देने वाले हैं वो इजिली नहीं हो पाते हैं, नहीं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल कंडीशंस नहीं है। अब सर्वाइवल कंडीशंस क्या चाहिए कि जब भी आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो यहाँ पे अगर आपने नाइट्रोजन लिया और साथ में ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाना हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है आपका कि इसके लिए टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, 3273 केल्विन का आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्यों इसलिए रखना पड़ेगा, बिकॉज इस नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। लोन पेयर्स क्या ये लोन पेयर्स इस नाइट्रोजन के पास में है, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन के पास में भी है, तो अगर ऑक्सीजन के पास में भी है लोन पेयर इसके पास में भी, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी जो बॉन्ड क्रिएट होने वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड है इनकी बॉन्ड की ब्रेकिंग इतना आसानी से नहीं कर सकते, इसीलिए हमको टेम्परेचर हाई इंक्रीज करना पड़ता है। और अगर ये नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बनेगा तो जो ये बनने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा वो इतनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी इसके नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड हैं एटम्स के, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बैलेंसिंग करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे टू एनोड से बैलेंस कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसका देखेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ हाइबर प्रोसेस के अंदर। कहने का मतलब इसमें क्या है कि आपने लिया नाइट्रोजन और साथ में ले लिया हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिस पर टेम्परेचर हमने कितना रखा था, 450 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था। और असली बात ये इसमें क्या है कि जो हमने प्रेशर रखा हुआ था वो 200 एटीएम का प्रेशर रखा हुआ था। अगर आप प्रेशर को लो करना शुरू करोगे तो जो अमोनिया यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म थी वो अमोनिया धीरे धीरे से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के पीछे क्या है, वन फ्लो रिएक्शन। तो ये तब चलेगा कि जब इसके ऊपर प्रेशर बना के रखोगे। टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा फ्लैक्चुएट कर सकते हैं बट प्रेशर आपको इंक्रीज रखना है 200 एटीएम मिनिमम। लेकिन अगर डाउन करेंगे तो फिर से अमोनिया रिवर्स होने शुरू हो जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कंटेनर के थ्रू। यहाँ पर जो आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिलता है, इस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर आयरन लिया हुआ था, और वो भी जो आयरन था वो डिवाइडेड आयरन था। कैसा था? डिवाइडेड आयरन लिया हुआ था, आयरन का चूर्ण लिया हुआ था। और इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर मॉलिब्डेनम यूज किया था, एज ए मॉड्यूलेटर यूज किया हुआ था। ये सवाल पूछा जाता है मॉड्यूलेटर कि इसमें जो आयरन जो यूज होता है उसका फंक्शन क्या है, मॉलिब्डेनम क्या है, या कौन सा मॉड्यूलेटर यूज करते हैं, कौन सा इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या, इतनी कंडीशन से तो आप देख ही सकते हो। तो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इन द टेम्परेचर ऑफ 450 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर ऑफ 200 एटीएम, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डिवाइडेड आयरन और मॉड्यूलेटर ऑफ द मॉलिब्डेनम, फिर ये 2 मोल्स नाइट्रोजन के बना अमोनिया के बनाता है। बैलेंस अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, देन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया ये यहाँ पे हमको मिल रही है, और अमोनिया जो मिल रही है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रही है। अच्छा, इस अमोनिया के साथ साथ में भी कुछ ना कुछ इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अमोनिया हमको मिल जाता है।
थर्ड इसका पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल अगर आप देखोगे तो जब भी ये डाइनाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये पहली चीज़ तो इसको हीट करना पड़ेगा और ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। डाइनाइट्रोजन, यहाँ पे थ्योरी लिखा हूँ मैं, डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन कंबाइंस कंबाइंस विथ मेटल्स प्रोड्यूसेस या फॉर्म नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स ये बनाएगा, उसी मेटल का नाइट्राइड बनाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर मेटल्स की रिएक्शन डाइनाइट्रोजन से कराई जाएगी तो जो मेटल होगा उसी मेटल की नाइट्राइड यहाँ पे मेरे को मिलेगी। अब पहला रिएक्शन इसके साथ में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिथियम का नाइट्रोजन के साथ। पहला रिएक्शन इसमें देते हैं हम लोग लिथियम का नाइट्रोजन के साथ देते हैं। अब अगर लिथियम का नाइट्रोजन के साथ हम लोग रिएक्शन देंगे तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो मिलेगा वो लिथियम नाइट्राइड मिलेगा या लाइन थ्री, और क्या मिलेगा एन टू, Li3N मिलेगा, इसका नाम होगा लिथियम, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड मिलेगा Li3N। दूसरा रिएक्शन इसके साथ है Mg भी मेटल है तो Mg का रिएक्शन N2 से कराओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा Mg3N2, Mg3N2, इसका जो नाम होगा वो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ जो मिलेगा आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा। तो नाइट्राइड यहाँ भी नाइट्राइड, मतलब मेटल्स का ही नाइट्राइड मिलने वाला है जब भी आप डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराते हो। अगला आता है आपका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, की पॉइंट है क्या, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने किससे कराई है, डाइनाइट्रोजन से। यहाँ पर जरा नाम ध्यान से लिखेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव का साइन आता है, ठीक है ना, तो ये जो बना रहा है वो AlN बना रहा है, ठीक है ना। अब इसका जो नाम बनता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये जो बनाता है वो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 2Al कर दिया, तो भी आपका इक्वेशन यहाँ पे भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला आप देखोगे कैल्शियम के साथ, डी रिएक्शन अगर आपने कराया कैल्शियम प्लस डाइनाइट्रोजन, तो ये जो बनाएगा Ca3N2 बनाएगा, क्या बनाएगा, ये Ca3N2 बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्राइड। अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 3 कर दिया और आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम नाइट्राइड बना। अब इसके साथ में एक रिएक्शन आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अगला देखेंगे हम लोग, ये मेटल्स के साथ में क्या बना रहा था, नाइट्राइड बना रहा था, किसका, मेटल का। आगे देखिएगा रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है ना। अब ये कैल्शियम कार्बाइड अगर डाइनाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इसके लिए कंडीशंस है वो देखेगा, कैल्शियम कार्बाइड आएगी साथ में नाइट्रोजन आएगा और ये जो बनाएगा कैल्शियम साइनाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम साइनाइड बनाएगा, साथ में कार्बन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, कैल्शियम साइनाइड बनाएगा और साथ में आपका कार्बन बैठ जाएगा, इसका जो नाम होगा वो कैल्शियम, कैल्शियम साइनाइड होगा, ये तो कार्बन रहेगा और ये है कैल्शियम कार्बाइड, आपका नाम ध्यान रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम, अब यहाँ पर टेम्परेचर आपको देखना है, कंडीशन क्या है, 1273 का टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, 1273 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ में 1273 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करेगी
तो यहां से कैल्शियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई है ना, वो ब्रेक करनी शुरू हो जाएगी, और ये जो नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड बना करके रखा है, इसके भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर होना कुछ नहीं है, जितना भी ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे से बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बना के बनाएंगे क्या, CaCN2 बना के फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, एक रिएक्शन और है अच्छा सा, अगर इसमें हाँ मैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ, यूज देखिएगा, यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, पहला यूज है इसका यूज्ड एज, यहां से देख लो, लिक्विड लिक्विड डाई नाइट्रोजन, लिक्विड डाई नाइट्रोजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट यानी अमोनिया भी लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज हो रही थी, CFC भी रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होती है। तो CFC जो पढ़ाया जाएगा आपको, यानी कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, तो CFC का यूज कहाँ होता है, एयर कंडीशन में होता है। अमोनिया का यूज फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स में होता है, बट इसका यूज कहाँ होता है, जैसे जैसे हमारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करना होता है, जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह आपने देखा हुआ है ना, तो वहां पर जो गैस यूज करते हैं हम लोग, वो लिक्विड N2 का यूज करते हैं, लिक्विड N2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है यूज्ड इन डाइनाइट्रोजन, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ HNO3, NH3 एक्सेट्रा, यानी अमोनिया के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, किसका, डाइनाइट्रोजन का, और नाइट्रिक एसिड्स के निर्माण में भी इनका यूज करते हैं हम लोग। तो जो प्रोडक्शंस है, अच्छा ये दूसरी बात ये कि हायर, जब हमको क्या होना है कि कॉमर्शियल लेवल पर, जब कॉमर्शियल लेवल पर हमको यूज करना होता है नाइट्रिक एसिड और अमोनिया का, तब हम क्या करते हैं, डाई नाइट्रोजन के थ्रू प्रेफरेंस करते हैं कि डाई नाइट्रोजन से ही बनाया जाए, क्योंकि डाई नाइट्रोजन के थ्रू जब हम बनाते हैं तो हमको प्योर नाइट्रिक एसिड और प्योर अमोनिया मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका है डाई नाइट्रोजन गैस, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, डाई नाइट्रोजन गैस फील्ड फील्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर थर्मोमीटर में यूज करता है, यूज होता है, लेकिन थर्मोमीटर जो हमारे इस पे लगाते हैं हम लोग अपनी बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए ह्यूमंस के, उस थर्मोमीटर में नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर फॉर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जब बड़े बड़े टेम्परेचर मुझे मेंटेन करने होते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब टेम्परेचर मेरे को मेंटेन करने होते हैं, तो उस टाइम पे जो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसके लिए हम उसके अंदर थर्मामीटर के अंदर जो उसकी पैरामीटर्स बनाई जाती हैं और फ्लक्चुएट होती है, उसके अंदर हम डाई नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो पहला यूज आपने क्या देखा है, यूज एज रेफ्रिजरेंट, फूड प्रिजर्वेशन वगैरह में यूज होता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इसका है कि HNO3, NH3, यूरिया, इन सब के फॉर्मेशन में भी यूज होता है डाइनाइट्रोजन। थर्ड आपने देखा है कि डाइनाइट्रोजन की गैस को फील्ड करते हैं हम लोग, जो हाई अमाउंट के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना होता है, हाई अमाउंट के टेम्परेचर को मेजर करना होता है, तो उस थर्मामीटर में भी हम लिक्विड या डाइनाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। ये था आपका डाइनाइट्रोजन टोटल फिनिश, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड। तो आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करें, रिविजन करते रहें, बाकी आप लोगों के साथ हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा बेहतर करें। बाकी आप लोग रिवीजन नोट्स अपनी प्रिपरेशन पर टाइम दीजिए, और ज़रा सा भी किसी तरह की कोई लापरवाही, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम बचा है। थैंक यू।